आई मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ इंट्राडे टेक मुंबई एम बी ए बी के सिंह के चैनल पे आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और शेयर बाज़ार में आने वाले समय में आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा और कौन सा स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए वो भी आपको मैं बता दूँ दोस्तों। और 4 से 5 महीना आपको एम बी ए बी के सिंह लगातार गाइड करते रहेंगे दोस्तों। हमने पूरी तरह अपना मिशन बना लिया है कि जब भी शेयर बाज़ार की अगर बात होगी तो आपको सबसे पहले गाइड करेंगे एम बी ए बी के सिंह। तो 1.5 महीना पहले दोस्तों, 1.5 महीना पहले आपको बता रहे हैं, 1 नवंबर से पहले आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है और क्या रखना है आपके अपने पोर्टफोलियो में, तो वो भी जान लीजिए। और सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जब भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे और ये पैसा आपको जब बढ़ेगा तो उस समय याद आएंगे बी के सिंह की आपको बताए थे कौन सा किस सेक्टर की। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, 6 से 8 महीना पहले बी के सिंह ने बताया था डंके की चोट पे उठा कर माल रख लेना, और उस समय ये जो नेक्सस 4 की चंडाल की जो चौकड़ी है लोगों को बिचवा दिए। और यही न्यूज चैनल वाले आते थे सामने, बोलते थे ये बलरामपुर चीनी मिल, ये शुगर ख़त्म हो गया, ये शुगर को इतना लोगों को नुकसान किए, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर लोगों का करोड़ों रुपया जो कमाई होनी थी, करोड़ों का छोड़ दीजिए अरबों रुपया जो कमाई होनी थी वो नहीं हुआ, बेच कर लोग चले गए। और बिक्की सिंह इकलौता थे कि शुगर सेक्टर आपको कमाई करके देगा, इंतज़ार कीजिए, पेशेंस कीजिए। 2 चीज़ अगर आपके पास नहीं है दोस्तों शेयर बाज़ार में तो आप पैसा नहीं बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है 100% लिख लीजिए। एक तो आपको सहन शक्ति और दूसरा आपको क्या बुद्धि विवेक, ये जो है आपको होना शेयर बाज़ार हो चाहे आपका जीवन हो जरूरी है। धैर्य शक्ति और आपके तजुर्बे, ये दोनों आपके पास नहीं है तो शेयर बाज़ार में हो या जीवन हो कभी भी सक्सेस नहीं मिलता दोस्तों। और ये सक्सेस तभी मिलेगा जब आपके पास, हम जो बात कर रहे हैं सीधा फंडा दोस्तों, ना तो कोई घुमा फिरा के हम बात करते हैं और ना कभी बात करते हैं, ना करते हैं ना करेंगे, ये भी जान लीजिए। सीधा फंडा हमारा है शेयर बाज़ार में, आज लगाएंगे तो कल मिलेगा, इंतज़ार करना पड़ता है, उसके पहले कुछ नहीं होता दोस्तों। अब रह गई बात कि कितना पैसा शेयर बाज़ार में लगाएंगे, कितना पाएंगे, तो ये आपको मैं बता दूँ इसका कोई भी लिमिट नहीं दोस्तों। आप 1 रुपये से शेयर बाज़ार शुरू कर सकते हैं, उसके बाद आपके ऊपर है कि कितना करेंगे। चलिए अब मैं बता दूँ दीपावली से पहले क्या क्या खरीदना है और क्या क्या रखना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, किसी का सुनना नहीं है और किसी के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में जब सोचेंगे तो आपका दिमाग ख़राब होगा, जितना आप देखेंगे जितना सुनेंगे उतना दिमाग ख़राब होगा, क्योंकि पैसा तो सीमित है। तो एक ही फंडा है दोस्तों, अगर आपके पास स्टॉक पड़े हुए हैं तो आप 31 अक्टूबर तक इंतज़ार कीजिए और फिर देखिए 1 नवंबर से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है स्टॉक मार्केट को बढ़ने से। और फिर कहाँ बेचना है, 31 दिसंबर से लेकर 1 नवंबर तक, और 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2 बार खरीदेंगे 2 बार बेचेंगे, 2024 ख़त्म कर देंगे, और ये आप भी जान लीजिए। तो चलिए इंतज़ार कीजिए, जो पड़ा हुआ है पड़े रहने दीजिए, और अगर पैसा है तो उसको 10 भागों में बांट लीजिए, 10 बार में 100 रुपया है तो 10-10 रुपया उसको लगाते रहिए, किसमें जो आपके पास पड़ा है। अगर लंबे समय के लिए लिए दोस्तों तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है, अगर आप लंबे समय के लिए लिए हैं कोई भी स्टॉक तो उसके बारे में कभी भी सोचना नहीं है। और
इसलिए कि अगर 5 साल 10 साल के लिए लिए दोस्त, तो 5 साल 10 साल वालों को कुछ भी नुकसान नहीं है। ये तो वो परेशान रहते हैं जो आज लगाएं कल पालें, ऐसा कभी भी नहीं होता। और कुल मिलाकर देखेंगे 5 साल के इतिहास में तो आधा उनका पैसा 25% कमीशन में चला जाता है उन ब्रोकर हाउस में जहां डीमैट अकाउंट है। दोस्तों सावधान रहिएगा बेचने वालों से और बेचवाने वालों से। दोस्तों दो गांठ और मान लीजिए, फोन आता है कि आप ये खरीद लीजिए, ऑप्शन का बाई कर लीजिए, ऑप्शन का पुट बेच दीजिए, फ्यूचर में बाई कर लीजिए, फ्यूचर में सेल कर दीजिए, और इंट्राडे में हम कॉल बताते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए वरना आपको कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों ये मेरी गारंटी है, 100 दिन में 90 दिन नुकसान होगा, 10 दिन आपको प्रॉफिट होगा। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि इन्वेस्टर बनने में आपको प्रॉफिट है या ट्रेडर बनने में। तो ये मेरी बहुत बड़ी राय है आपसे। इंट्राडे टेक मुंबई चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, 1-1.5 महीना पहले का भी देखिए, 1-2 साल पहले का भी देखिए। मैं इसलिए बोलता हूं देखने के लिए, कमाने के लिए नहीं। YouTube से MBA BK सिंह की एक ही मंशा है, कभी भी हम कमाई करने के लिए चैनल को नहीं बनाए, न 4 साल पहले, न आज, न आने वाले समय में बनाते हैं दोस्तों, न बनाएंगे। पैसे के लिए नहीं, हमारे पास जो है वो आपको एक एक चीज़, 20 साल के इतिहास में IPO का खेल कितना गंदा खेल क्या होता है कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दूं। कभी भी हम IPO के सबसे बड़े दुश्मन, अपनों के सबसे बड़े दुश्मन, और ये देश के अंदर विदेशों की दलाली करने वाले का सबसे बड़ा दुश्मन, चाहे शेयर बाजार हो चाहे आसपास के लोग, दोस्तों कभी भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो मुंबई में हो चाहे मुंबई के बाहर हो, क्योंकि हमारा संस्कृति और हमारा संस्कार यही है। हम वो हैं जो दुनिया को देने के लिए आए हैं, हम वो हैं जो दुनिया को सिखाने के लिए आए हैं, हम वो हैं जो पहले गलत नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद हम क्या कहने वाले हैं आप सुनिए। MBA BK सिंह चाहे मुंबई में रहें दोस्तों, चाहे अमेरिका के न्यूयॉर्क वाशिंगटन में रहें, चाहे ऑस्ट्रेलिया के स्वीडन में रहें, या इंग्लैंड में रहें, या जापान में रहें, या स्विट्जरलैंड में रहें, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो स्वभाव है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि हम अगर सामने कोई भी गलत होते नहीं देख सकते, अगर मेरे सामने कुछ भी गलत हो रहा है जिस क्षेत्र में हम हैं, जहाँ पे हैं, अगर किसी के साथ नाइंसाफी और उनको गुमराह किया जा रहा है, तो MBA BK सिंह चुप न बैठे हैं और न बैठते हैं और न बैठेंगे, ये भी जान लीजिए। तो इस बातों से आपको तो पता चल ही गएगा। और उनको मैं बता देता हूँ जो शेयर बाज़ार में भी वीडियो सिर्फ कमाई के लिए तो बनाते ही बनाते हैं, दूसरी तरफ लोगों को गुमराह भी करते हैं, और अब तो इकट्ठे दो दो लोग साथ में बैठ के और बतकुचल करते हैं दोस्तों। उसको बोलते हैं ये कन्वर्सेशन वार्तालाप, हम लोग बोलते हैं बतकुचल। और फालतू जो लोग होते हैं वो बतकुचल करते हैं लोगों को, इसलिए कि डायरेक्ट तो उनको बोलने की क्षमता नहीं है कि ये ले लो वो ले लो ये खरीद लो। और यही न्यूज चैनल वाले भी करते हैं, आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सोचते हैं, आपका परिवार सोचते हैं, ईश्वर से मैं कामना करते तो सावधान है दोस्तों अपनों से। और दीपावली से पहले सभी स्टॉक बनाकर रख लीजिए, सुजलन एनर्जी, IRFC और इंडिगो, टाटा मोटर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सोचते हैं, आपका परिवार सोचते हैं, ईश्वर से मैं कामना करते हैं। बाय बाय।